हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा स्किन रेमेडी, मतलब होम रेमेडी। तो इसमें क्या है, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगी स्किन को टाइट करने के लिए किस तरीके से हमको एक पैक बनाना है। और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, दो ही चीजों से हम बनाएंगे स्किन पैक, स्किन टाइटनिंग पैक। हमें लेना है दही और हमें लेना है नींबू। तो एक चम्मच आप दही लेना है और आधा चम्मच के आसपास नींबू का रस। तो गाइस, पहले मैं बता देती हूँ, जो दही होती है वो हमारी स्किन पोर्स को टाइट करने में हेल्प करती है और स्किन को लूज नहीं होने देती है। और जो दही जो होती है, ये जब हमारी स्किन पे हम अप्लाई कर लेते हैं, ये सूख जाती है तो वो हमारी स्किन को होल्ड करती है। तो इसमें जो भी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है वो स्किन को टाइट रखती है। लेमन में भी कई तरीके की एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है, तो इससे स्किन को कोई हार्म नहीं होता है, कोई भी आपकी स्किन को हार्म नहीं होगा। और जो सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर आपकी स्किन ज्यादा ही एक्सट्रीमली ड्राई है तो आपको क्या करना है, इसमें लेमन को अवॉइड करना है, लेमन आपको ऐड नहीं करना है। तो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ले लिया है एक चम्मच दही, बाकी आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, एक से दो ले सकते हैं चम्मच। तो मैंने, तो मेरे फेस पे एक चम्मच सफिशियंट रहेगा, तो मैंने ले लिया है एक चम्मच दही और यहाँ पे मुझे निकालना है आधा चम्मच नींबू का रस। तो गाइज, मैंने ले लिया है यहाँ पे आधा चम्मच नींबू का रस और अब मैं करूंगी इसको अच्छे से मिक्स। इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हो गया मिक्स, अब इसको करेंगे अपने फेस पे अप्लाई। तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बता रही हूँ आपको किस तरीके से करना है अप्लाई। इसको हमने मिक्स कर ही लिया है और इसको किसी भी ब्रश की हेल्प से या फिर अपनी फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कर रही हूँ फिंगर से इस तरीके से। ये हो गया अच्छे से अप्लाई, नोज आईज एरिया सब तरफ लगाना है इसको। वो गाइस, इसको ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि लेडीज ही यूज़ कर सकती हैं, तो उसको जेंट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सुंदर दिखने का सबको हक है। तो ये कर लिया है मैंने इसको अप्लाई और अब मैं इसको दूंगी हल्के हाथ से 5 मिनट तक मसाज। तो गाइस, आप मसाज का जो स्टेप है उसको स्किप भी कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे ही लगाकर फेस पे 5 से 10 मिनट छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मसाज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर करेंगे तो अच्छा है। तो अभी मैं बोलती नहीं हूँ और मैं करती हूँ हल्के हाथ से 5 मिनट तक मसाज। मसाज करने से थोड़ा रिलैक्स फील होता है, तो आप इसको करेंगे उस स्टेप, वो भी अच्छा है।
तो मसाज हो गई है डन, और अभी इसको छोड़ना है 10 मिनट इसी तरीके से फेस पे हमें इसको छोड़ना है, और 10 मिनट के बाद हम इसको करेंगे ठंडे पानी से वॉश। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। हाय गाइस, तो 10 मिनट्स हो चुके हैं मेरे पैक को, तो दिस इज़ द टाइम फॉर वॉश। हमको इसको ठंडे पानी से धोना है, और मैं आपको वॉश करने के बाद दिखाती हूँ, वॉश करने के बाद आपसे बात करती हूँ। तो मुझे दीजिए 1 मिनट का टाइम, मैं अच्छे से इसको वॉश करके फटाफट से आपके पास आती हूँ। तो गाइज, फेस वॉश डन। अब इसको कर रहे हैं हम टॉवल से, वाइट तो ये टॉवल से हो गया क्लीन। तो गाइस, ये हमारी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट करता है ये पैक, और हमारी स्किन पे ग्लो और शाइन भी लाता है। तो जिन लोगों की स्किन थोड़ी लूज है, और या फिर जो लोग 30 को क्रॉस कर चुके हैं, 30+ में हैं, तो उनको ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 30, मतलब 30 की एज के बाद में जो हमारी स्किन होती है ना, वो थोड़ा लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए ये, और इसको मैन भी कर सकते हैं, मतलब जेंट्स लोग भी कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि गर्ल्स या लेडीज़ ही कर सकती हैं, तो उसको मैन भी कर सकते हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि दूसरी बात ये बता रही थी मैं आपको कि सबसे ज़रूरी ये बात है कि इसमें अगर दही घर का ही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी से घर का दही आपको नहीं मिल रहा है तो ही आप बाहर का लें। मतलब अगर घर पे अवेलेबल है तो पहले प्रायोरिटी घर की ही दही को रखें, और फेशियल को करें कम से कम वीक में 2 टाइम्स तो कर रहे, 2 टाइम्स भी नहीं कर सकते तो वीक में 1 टाइम तो करें। हाँ, तो काफ़ी अच्छा है ये पैक, इसको अप्लाई करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू स्किन केयर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।